हेलो, वेलकम कयूं था असां तव्हांखे न असां पंहिंजे यूट्यूब चैनल ते। जीअं त असां शुरू कयो आहे जेके बि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जे हिसाब सां जेके बि सिलेबस आहे उहो क्लास वन खां क्लास अठे ताईं शुरू कयो आहे। अॼु जेको असां शुरू कयो उहो माय इंग्लिश बुक क्लास वन जो आहे, उहो जेको सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड वारनि जो आहे। उहो इनशाला असां कोशिशि कंदासीं जेको ए टू ज़ी खां जेको बि शइ हूंदी उहा असां डिफाइन कंदासीं, ऐं अगरि कोई तव्हांखे सवाल हुजे या को का ॻाल्हि सम्झ में न अचे त तव्हां महिरबानी करे कमेंट कंदा, त जीअं असां उनखे उते ई एक्सप्लेन कंदासीं, या असां जेको नेक्स्ट लेक्चर हूंदो असां उनखे डिफाइन कंदासीं उन पॉइंट खे। अगरि कोई तव्हांखे मसइलो हुजे ॿुधण में या एक्सरसाइज में, उहा बि असां तव्हांखे पिण हल कराईंदासीं। त असां अॻिते हलूं था। हीअ किताब जो जेको आहे उहो कवर आहे माय इंग्लिश बुक वन क्लास वन। अॻिते हलूं पिया, असां थोरो हिनखे ज़ूम कंदासीं त जीअं तव्हांखे अखर जेके आहिनि वग़ैरह लेटर्स सेंटेंस सही तरीक़े सां नज़र अचनि। हीअ आहे असांजो कॉन्टेंट्स। सभ खां अवल जेको आहे यूनिट वन आहे, पेज नंबर 1-2। टॉपिक जेको आहे उहो इंट्रोडक्शन ग्रीटिंग्स। उनमें एक्टिविटीज़ कहिड़ी हूंदी, लर्निंग क्लास रूम मैनर्स, यानी क्लास रूम जा जेके मैनर्स हूंदा उहे सिखंदासीं। इहो असांजे लाइ एतिरो ज़रूरी न आहे, पर असां वरी बि हिनखे थोरो ओवरव्यू वठंदासीं क्विकली, त जीअं तव्हांखे थोरो क्लास जे तौर तरीक़े जी ख़बर पइजे त क्लास में कीअं रहिबो आहे या कीअं ॻाल्हाइबो आहे, या टीचर अचे थो उन कहिड़े तरीक़े सां ग्रीटिंग्स माना खीकारणु, हेलो करणु या हाय करणु, ग्रीटिंग्स जी माना ई आहे। अगरि तव्हां वटि नोटबुक आहे त महिरबानी करे लिखंदा वञो ग्रीटिंग्स माना खीकारणु। जेका ग्रीटिंग्स जेका कोर माना आहे उहा आहे ग्रीटिंग्स माना खीकारणु। उन खां पोइ यूनिट 2 पेज नंबर 3-17, पेज नंबर 3-17, टॉपिक जो नालो आहे दी अल्फाबेट लेटर्स एंड साउंड्स राइटिंग पैटर्न्स। हुन में छा छा पढ़िबो, अल्फाबेट हूंदी उन में अखर हूंदा, उनजो आवाज़ हूंदो ऐं लिखण जो तरीक़ो हूंदो। हुन में असां जेका एक्टिविटीज़ हूंदी कहिड़ी हूंदी, नेमिंग दी पिक्चर्स लेटर्स एसोसिएटिंग साउंड्स विथ पिक्चर्स ट्रेसिंग कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। हुन खां पोइ यूनिट 3 आहे, उहो पेज नंबर 18-23 ताईं आहे। उनजी टॉपिक कहिड़ी आहे, बिगनिंग साउंड्स माना साउंड्स जेके स्टार्टिंग हूंदा बिगनिंग हूंदा उहे कहिड़ा हूंदा, उनखे कीअं सुञाणिजे। उन में एक्टिविटीज़ कहिड़ी हूंदी, द आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्ट्स एंड देयर बिगनिंग साउंड राइटिंग द करेक्ट लेटर्स। उन्हनि जा जेके ऑब्जेक्ट्स आहिनि उन्हनि खे आइडेंटिफाई करणु, ऐं उन्हनि जा जेके बिगनिंग साउंड आहे यानी जेको साउंड शुरू में थींदो आहे उनखे सुञाणणु, ऐं उन खां पोइ आहे राइटिंग द करेक्ट लेटर्स, ऐं उन्हनि खे जेको जेके सही तरीक़े सां लेटरनि खे लिखण जो तरीक़ो या सम्झणु। उन खां पोइ असांजो यूनिट 4 पेज आहे 24, एंडिंग साउंड्स जेके जुमिले जे या वर्ड्स जे एंड में साउंड्स हूंदा उनखे सुञाणु, ऐं उन में असां लर्न छा कंदासीं, एक्टिविटीज़ में आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्ट्स एंड देयर एंडिंग साउंड्स राइटिंग द करेक्ट लेटर्स। उन ऑब्जेक्ट खे सुञाणण ऐं उन ऑब्जेक्ट जो या वर्ड्स या सेंटेंस या लेटर्स खे उनजे जेको एंड में आवाज़ हूंदो उनखे सुञाणु ऐं उनखे करेक्ट तरीक़े सां लिखणु। उन खां पोइ असांजो यूनिट 5 आहे, उहो पेज नंबर 25-26 ताईं आहे, ऐं टॉपिक जो नालो कहिड़ो आहे, एनिमल्स एंड बर्ड्स जानवर ऐं पखी। उन में एक्टिविटीज़ कहिड़ी हूंदी, रिकग्नाइज़िंग एनिमल्स एंड बर्ड्स मैचिंग पिक्चर्स विथ नेम्स, जानवर अने पखियुनि खे सुञाणु ऐं तस्वीरुनि नालनि सां मैच करणु। उन खां पोइ आहे यूनिट नंबर 6 पेज नंबर 27-28 ताईं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। टॉपिक जो नालो कहिड़ो आहे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यानी मेवा ऐं भाॼियूं। उन खां पोइ एक्टिविटीज़ कहिड़ी हूंदी, रिकग्नाइज़िंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मैचिंग द पिक्चर्स विथ नेम्स, पिक्चर्स भाॼियुनि ऐं फ्रूटनि खे रिकग्नाइज़ करणु ऐं उन्हनि जा नाला तस्वीरुनि सां मैच करणु। उन खां पोइ आहे यूनिट 7 पेज नंबर 29-29, पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी जा हिसा, आइडेंटिफाइंग पार्ट्स ऑफ बॉडी। उन में जेका एक्टिविटीज़ हूंदी उहा बॉडी जे पार्ट्स खे आइडेंटिफाई करणु यानी सुञाणणु, आइडेंटिफाई माना सुञाणणु।
उन यूनिट आए अठ पेज नंबर टी का एकटी तीन वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स असाज टॉपिक होंगी उन एक्टिविटीज कड़ी होंगी रिकग्नाइजिंग वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट एंड कंप्लीटिंग वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट के सुण उनके मुकमिल कर उन यूनिट नंबर नव पेज नंबर बटी का चौटी ए एंड एन उन असा टॉपिक होंगी वह ए एन होंगी अस इन ए आर एन भी पढ़ी सकता है ए एन आर एन जो आर्टिकल आ टॉपिक होंगी वह होंगी आइडेंटिफाइंग कंसोनेंट्स एंड वॉवल्स यूजिंग ए एंड एन यानि कंसोनेंट ए वॉवल के आइडेंटिफाई कर माना सुण कें वसीले ए एन के वसीले उन यूनिट नंबर 35 यूनिट नंबर 10 आ पेज नंबर 35 आ टॉपिक कड़ी आ दिस इज सिंगुलर दैट इज सिंगुलर यानि इन जहाँ अस यूसेज पढ़ासी दिस इज दैट इज जहाँ पॉइंटिंग एक्टिविटीज कड़ी आ पॉइंटिंग शोविंग एंड टेलिंग इशारो कर दिखाण बुधायण उन यूनिट नंबर 11 आ पेज नंबर 36 का 37 दीज आर पिलुलर एंड दोज आर पिलुलर दीज आर जो यूज एंड दोज आर जो यूज कैंसा पिलुलर सा एक्टिविटीज कड़ी होंगी पॉइंटिंग शोविंग टेलिंग सागी एक्टिविटीज हूँ जो अस पैया पढ़ी दिस एंड दैट्स जी पॉइंटिंग माना इशारो कर शोविंग माना दिखाण ए टेलिंग माना बुधाय उन यूनिट है अस यूनिट है 12 पेज नंबर 38 का 42 नंबर्स नंबर्स नंबर टॉपिक जी एक्टिविटीज कड़ी होंगी रीडिंग राइटिंग नंबर्स काउंटिंग थिंग्स पढ़ण लिखण नंबर के पढ़ण लिखण उनके काउंट कर यानि शयन के काउंट कर उन असो यूनिट नंबर 13 आखिरी यूनिट है पेज नंबर 43 का 44 उनमें जो टॉपिक है वह है साउंड्स एस एच सी एच यानि इनमें असेंगे पिलुलर बुधाई तो माना कड़े तरीके से वर्ड्स टाइजन साउंड्स एस एच आ सी एच आ उन में अस एक्टिविटीज कड़ी कहे वर्ड बिल्डिंग एंड मैचिंग वर्डन के ठाण उनके मैच कर यो असो कॉन्टेंट हो हाँ अस अगते हलूँ पा यूनिट नंबर 1 में अना तो यूनिट आन यूनिट हलन पा यूनिट नंबर 14 यूनिट नंबर 14 उन पेज नंबर 45 का 46 तीन उनमें टॉपिक कड़ी होंगी शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉवल्स एक्टिविटीज कड़ी होंगी शॉर्ट एंड लॉन्ग वॉवल्स बो हों कलर्स रंग आइडेंटिफाइंग कलर्स कलरिंग कलर के आइडेंटिफाई कर कलर कर जी पिक्चर्स होंद या शेप्स होंद उन यूनिट नंबर 15 पेज नंबर 47 का वी 48 तीन उनमें टॉपिक कड़ी होंगी ट्रैफिक लाइट्स ट्रैफिक साइंस ट्रैफिक लाइट्स ट्रैफिक साइंस के बारे में उन एक्टिविटीज कड़ी होंगी पोएम आइडेंटिफाइंग दी ट्रैफिक लाइट्स एंड ट्रैफिक साइंस उनमें एक्टिविटीज कड़ी होंगी पोएम होंद उन माना वो पोएम में अस पढ़ा ट्रैफिक लाइट्स एंड ट्रैफिक साइंस के सुण उन यूनिट नंबर 16 16 यानि पेज नंबर 49 से एक्शन वर्ड्स यानि एक्शंस वर्ड एक्शन वर्ड कड़ा होंद अस पढ़ासी आइडेंटिफाइंग एक्शंस एक्शंस के सुण एक्टिविटीज या होंगी उन चैप्टर यूनिट नंबर 17 यानि पेज नंबर 50 से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स वर्डन के डिस्क्राइब कर एक्टिविटी कड़ी होंगी डिस्क्राइब वर्ड्स उन यूनिट नंबर 18 पेज नंबर 51 का 52 तीन प्रोफेशंस प्रोफेशंस कड़ा है उन एक्टिविटीज कड़ी होंगी आइडेंटिफाइंग प्रोफेशंस प्रोफेशंस के सुण उन यूनिट नंबर 19 है वो पेज नंबर कड़े थे पेज नंबर 53 थे कैपिटल लेटर्स टॉपिक होंगी एक्टिविटीज कड़ी होंगी नोंग अबाउट कैपिटल लेटर्स के सुण यह अस एक्टिविटी होंगी उन यूनिट नंबर 20 है पेज नंबर 54 थे उनमें होंगी टॉपिक वन टू बकल माय शू पोएम फन एक्टिविटी कड़ी होंगी पोएम आ फन आ उनको नालो कड़ो वन टू बकल माय शू उन
पेज ना यूनिट असा कड़ो आए एक ही आए पेज नंबर पंजा ते अहमद एंड हिज फ्रेंड टॉपिक जो नालो यो आए उन में एक्टिविटी कड़ी होंगी रीडिंग एक्टिविटी पढ़ने की एक्टिविटी होंगी यानी उनके पढ़बो सिर्फ उन यूनिट नंबर बवी पेज नंबर छाजा ते सिंगुलर प्लुलर सिंगुलर ए प्लुलर उन में जो एक्टिविटी वो होंगी मेकिंग प्लुलर प्लुलर के ठाईदास सिंगुलर में उन पेज नंबर यूनिट नंबर टेवी पेज नंबर सतवंजा अफिश फिश एक टॉपिक है उन नालो है अफिश पोएम आक्ट्रेस कड़ी पोएम फन उन पेज नंबर यूनिट नंबर चौवी पेज नंबर अठवंजा का उणसठ शेप्स यानी तस्वीरों शिकल जो टॉपिक जो नालो हों एक्टिविटीज कड़ी होंगी रीडिंग अबाउट शेप्स शिकलन के बारे में पढ़ एक्टिविटीज यहाँ हूँ उन है 25 यूनिट पेज नंबर 60 का बाहठ ताई माय कंट्री टॉपिक जो नाल माय कंट्री उन एक्टिविटीज कड़ी होंगी रीडिंग टेक्स्ट टेक्स्ट के पढ़ जो अस टेक्स्ट हों माय कंट्री के बारे में उन यूनिट नंबर 26 जेका अस पेज आ वो 63 ते होंद उनमें सीजन सीजन के बारे में टॉपिक आ एक्टिविटीज कड़ी होंगी नोइंग अबाउट सीजन्स एक्टिविटीज अस कड़ी होंगी सीजन के बारे में जान हासिल कर उन यूनिट है 27 पेज नंबर 64 ते डेज ऑफ द वीक हफ्ते जा डी टॉपिक जो नालो हों नोइंग अबाउट डेज एक्टिविटीज कड़ी होंगी डीन के सुण उन पे यूनिट नंबर 28 पंजहठ का 64 ते अर्ली टू राइज अ टर्टल फन पोएम एक्टिविटीज कड़ी होंगी अर्ली टू राइज अ टर्टल उन थी एक्टिविटीज कड़ी फन पोएम उन पेज यूनिट नंबर 29 67 का 68 ते ग्लॉसरी ग्लॉसरी उन एंड ठीक है हाँ अस शुरू कंदे यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन अस यूनिट नंबर 1 में सीखे इंट्रोडक्शन क्लासरूम जो अस पढ़ियोसि क्लासरूम के बारे में माना क्लासरूम में कि अगर उस्ताद अचे उन की करो है कड़े तरीके से सलाम करो है या स्कूल का क्लास का बाहर वन तो वह इजाजत कि वटज उस्ताद का इंट्रोडक्शन अगर टेक्स्ट अगर कोई खाली बुक है या रफ कॉपी है तो वो मेहरबानी कर अगर वर्डन में इशू है तो वर्ड्स लिखा आज मैं वर्ड्स चीती माना बुधाइंदम वो वर्ड नोट कंदा आज तो के वर्ड याद करण में या सबक याद करण में पढ़ण में दुखियाई न थे इंट्रोडक्शन की माना है तारीफ तो इंट्रोडक्शन माना तारीफ कराएं इंट्रोडक्शन माना तारीफ ठीक उन स्किल्स स्किल्स अस कड़ी सीखे स्किल्स माना हुनर स्किल्स माना हुनर लिसनिंग स्पीकिंग स्किल्स अस सीखे एक लिसनिंग बी स्पीकिंग लिसनिंग माना बुध स्पीकिंग माना गाल अस अगत हलूँ हाँ असो लाइसेंस शुरू थी अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज़ इमरान आई एम यू टीचर अस्सलाम वालेकुम मुझो नालो इमरान है मां तहांजो उस्ताद आया हाँ वरी शागिर्द चवे तो वालेकुम अस्सलाम माय नेम इज़ बचल आई एम यूअर स्टूडेंट वालेकुम सलाम मुझो नालो बचल है मां तहांजो स्टूडेंट आया स्टूडेंट माना शागिर्द उन स्कूल में जो स्टूडेंट गर्ल जवाब दे थी वालेकुम अस्सलाम माय नेम इज सीरत आई एम यूअर स्टूडेंट वालेकुम अस्सलाम मुझो नालो सीरत है मां तहांजी स्टूडेंट आया माय माना मुझो नेम माना नालो इज माना है सीरत नालो है आय माना मां एम छा है एम माना आया यूअर माना तुझो स्टूडेंट माना शागिर्द या शागिर्द हाँ ठीक है अगर तक वर्ड ना अचन तो ये वर्ड पाँजा रफ कॉपी से लिखा आज मैं वर्डन की इतने लाइव माना बुधाइंदम अगर तक उन बावजूद भी कोई इशू हो तो मेहरबानी कर कमेंट में वर्ड हुए या कोई भी मसलो हो लिखो इंशाल्लाह तक उत ऑन द टाइम तक रिप्लाई मिली वो या वो नेक्स्ट लेक्चर में तक इन कमेंट जो जवाब मिली वो उन यूनिट नंबर 1.2 आ ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग्स माना खीकारण ग्रीटिंग्स माना खीकारण यो वर्ड लिखी छो उन में भी सेम स्किल्स अस सीखे लिसनिंग स्पीकिंग टीचर
हाँ ऐसा माना टीचर के अगर क्लास में चीज़ें अड़े तरीके से खीकार जे की है माना गाल बोल जे का थी दिया है जर्नल टीचर गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन गुड मॉर्निंग उन खा पोए है तस्वीर में तुम सुण सको था तो ये सिज ताज़ो निकतो है इनके माना उन महिला से चुंदे गुड मॉर्निंग सिज जैमल मथे हों विच हों माना एक या बजे टाइम हों तो उन महिला चुंदे टीचर चवे तो गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन भी चवंदा बार जो हूँ क्लास में वो भी चवंदा गुड आफ्टरनून उन वरी जो असो टी का टाइम हों वो इवनिंग हों जै ये तस्वीर में देखारो है तो माना सिज लहे पो उन में टीचर इंदो चुंद है गुड इवनिंग शागिर्द भी सेम रिप्लाई दिन गुड इवनिंग। गुड इवनिंग माना शाम जो सलाम गुड आफ्टरनून माना मंझंद जो सलाम गुड मॉर्निंग माना सुबह सलाम। अगर तुम कापी आए तो वरी भी मां रिमाइंड करा तो ये वर्ड लिखंदा वो गुड मॉर्निंग माना सुबह जो सलाम गुड आफ्टरनून माना मंझंद जो सलाम गुड इवनिंग माना शाम जो सलाम। उन नाइट तुम ऐसो था टीचर चवे तो गुड नाइट बार चवन पाया शागिर्द स्टूडेंट्स गुड नाइट माना रात जो सलाम। उन लास्ट है ये जो हथ जो इशारे तो नए मतलब माना है गुड बाय। गुड बाय माना अल्लाह हाफिज़ बाय बाय स्टूडेंट चवंदा गुड बाय। उन अस अगत हल्दी यूनिट नंबर बाय 2.1। हाँ यूनिट नंबर बाय यो इंशाल्लाह ताला असो बो लेक्चर हों वो अस इन में यूनिट नंबर ब के नेक्स्ट जो लेक्चर हों अस वो इन में पढ़ा यूनिट नंबर ब जो नालो है अल्फाबेट। तेस ताई अल्लाह हाफिज़। अगर कोई भी मसलो हो कुछ भी हो कोई वर्ड न अचे मीनिंग न अचे या कोई प्रोनाउंसिएशन जो इशू हो या एक्सरसाइज इशू हो तो मेहरबानी कर तुम कमेंट कर इंशाल्लाह असा अगले लेक्चर या इंदड़ लेक्चर में असा उन कमेंट्स जो असा जवाब दींदे जो कोशिश कहते तो उत ही जवाब दूँ न तो असा वीडियो में सुठे तरीके से जवाब दींदे तुम समझी सको। अल्लाह हाफिज़।